इसका जवाब वो ही देंगे, वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है, काला धन है, क्या मामला है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार चौथे दिन भी जारी रही। ओडिशा और झारखंड में धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी में अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में अभी और समय लगेगा। आयकर विभाग के हाथ कुछ और ठिकानों की जानकारी मिली है जहां कैश और ज्वेलरी दोनों हो सकती है। अब ऐसे में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक सांसद क्राइम में शामिल है तो इसका जवाब वही देंगे। पैसा कहां से आया, कहां से धांधली हुई, क्या काला धन है, इन सब का जवाब वो खुद देंगे। पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया या काला धन है, क्या कुछ कह रहे हैं जरा इनका वीडियो देखिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वो ही देंगे। वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है, काला धन है, क्या मामला है, इससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई हमला नहीं किया जा सकता। ये इंडिविजुअल एमपी का मामला है और कानून अपना काम करना चाहिए अगर ऐसा है तो। जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक सांसद क्राइम में शामिल है तो इसका जवाब वही देगा कि पैसा आया कहां से, पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया या फिर कोई काला धन है, इससे कांग्रेस पार्टी पर कोई हमला नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति विशेष का मामला है, कानून को अपना काम करना चाहिए। इसके बाद अब शनिवार को दिल्ली समेत कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और धीरज साहू को राज्यसभा से निलंबित करने की मांग की। जरा ये ताजे वो वीडियोस देखिए विरोध प्रदर्शन के, जो आज देश के कोने कोने में दिखाई दिए। बता दें कि कांग्रेस नेता की इस बड़ी धांधली से बीजेपी बेहद नाराज नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली समेत कई राज्यों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के अलावा रमेश विधोड़ी आदि नेता शामिल हुए। इन सभी नेताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश बरामदगी के विरोध में कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बीजेपी नेताओं ने धीरज साहू को राज्यसभा से सस्पेंड करने की भी मांग की है।